1.5 मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, और पूछा गया है कि कितना वर्क डन लगेगा, एक्सटर्नल टॉर्क को लगाना पड़ेगा अगर उसको नॉर्मल टू फील्ड प्लेस करना है फर्स्ट केस में, और पहले वो कैसा प्लेस्ड है, स्टार्टिंग में वो कैसा प्लेस्ड है, वो अलाइंड है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब होता है, कोई बॉडी अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होती है तो उसका थीटा क्या होगा, थीटा होता क्या है, जीरो, थीटा जीरो होगा वैसे तो, कैसे होगा इधर देख लो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैग्नेट अलाइंड है स्टार्टिंग में, अलाइंड मतलब कैसे है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, अब कोई बच्चा आएगा किधर नॉर्थ आएगा किधर साउथ आएगा, नॉर्थ किधर आएगा साउथ किधर आएगा, कोई बच्चा आएगा बोलो सर, राइट साइड नॉर्थ, राइट साइड नॉर्थ आएगा, लेफ्ट साइड साउथ आएगा, ये कैसे कैसे आया, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि ये देखो जैसे मान लो डायरेक्शन ऑफ फील्ड की तरफ ये नॉर्थ और ये साउथ है, जैसे ऐसे फील्ड है, तो नॉर्थ वाला साउथ को पॉइंट करेगा और साउथ वाला नॉर्थ को पॉइंट करेगा, समझे बच्चों ये समझे, अगर जैसे कभी भी समझ में ना आ रहा हो तो मैग्नेट को ड्रॉ कर दो, ये मैग्नेट दिखा दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है साउथ में आती है, ये जो फील्ड है ऐसे आ रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये कि जब वो फील्ड में अलाइन हो जाता है तो बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल जीरो होता है, थीटा जीरो होता है, जीरो किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों राइट साइड है, तो ये थीटा जीरो हो गया। इसको कैसे प्लेस करना है फर्स्ट केस में, कैसे प्लेस करना है फर्स्ट केस में, इसको प्लेस करना है परपेंडिकुलर प्लेस करना है ऐसे, इस तरीके से, एंगल कितना हो जाएगा कोई बच्चा बताएगा, अब फाइनल एंगल जैसे इनिशियल एंगल अगर स्टार्टिंग में एंगल जीरो था, 90, हाँ अच्छा शाबाश, फाइनल एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वही लगा देंगे बच्चों एम बी जो हमें दिया हुआ होता है, फॉर्मूला याद कर लेंगे इससे अच्छे से और फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे। एक डाउट सर, ऐसे कैसे होगा मैग्नेट, ये लिखा आपने, हाँ अच्छा बोलो बोलो बोलो, मैग्नेट ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट कैसे करते हैं, रोटेट करना है बच्चे, क्वेश्चन शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ कई बच्चों ने नहीं किया है, तो एक बार मैग्नेट पहले था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन था, मतलब स्टार्टिंग की सिचुएशन में ऐसे रखा हुआ जैसे हमने ड्रॉ किया, फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर उसको रोटेट कराना है, और ऐसे रोटेट कराना है कि पहला केस में नॉर्मल टू फील्ड है, नॉर्मल टू फील्ड मतलब कि अच्छा नॉर्मल 90 डिग्री पे, नॉर्मल टू फील्ड मतलब 90 डिग्री पे ऐसी ओरिएंटेशन में, अब इस केस में कितना एंगल बन रहा है, इस केस में जो मैग्नेट है 90 डिग्री नॉर्मल टू फील्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक ओरिएंटेशन चेंज करने में कितना वक्त लगेगा, इसके लिए हमें इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल चाहिए होगा और एम और बी की वैल्यू चाहिए होगी, हम पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, समझे नहीं समझे, यस सर, बाकी बच्चों बताओ भाई कोई डाउट, नो सर, देखो यार सेकंड पार्ट क्या है इसका कि उसको स्टार्टिंग की सिचुएशन से कैसे प्लेस करना है, अब कैसे प्लेस करना है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उल्टा करना, उल्टा मतलब थीटा 180 हो जाएगा, मतलब कि जैसे ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी इनिशियल, अगर देखा जाए तो ये इनिशियल कंडीशन ये है, तो फाइनल कंडीशन में इसको बिल्कुल 180 डिग्री मतलब उल्टा रोटेट कर देना है, उल्टा रोटेट मतलब नॉर्थ और साउथ की पोजीशन चेंज हो जाएगी, हां अच्छा नॉर्थ और साउथ की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब उधर आ जाएगा नॉर्थ पोल, इधर आ जाएगा साउथ पोल, तो ये इस टाइम एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री कैसे हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ होता है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये थीटा क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, तो अब 0 डिग्री से 180 डिग्री में लाना है, थीटा इनिशियल क्या हो जाएगा 0 डिग्री एंड थीटा फाइनल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ऐसे रोटेट कराना है, लगा दो ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, कोई डाउट किसी बच्चे को, दो अलग अलग केसेस है, नो सर, यार देखो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेसिस पे है तो आप लोग कर सकते हो इसको, अच्छा 5.8 क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ लो बच्चों, शायद जिसने कर भी रखा है एक बार पढ़ लो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, दो मिनट
पढ़ लिया? यस सर, पढ़ दिया। क्या है? चलो ये आप ही बताओ शिवांश। सर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सर, हमारे को एन दे रखा है, आई दे रखा है, ए कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक टू आई या नहीं? मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए। तो सबसे पहले सोलेनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फिर क्या करना है? फिर क्या करना है बताओ, त्रिमंदी बताओ, फोर्स निकालना। फिर क्या करना है त्रिमंदी बताओ, फिर क्या करना है? फोर्स निकालना है। तो हमने पढ़ रखा है बच्चों, जब करंट कैरिंग कॉइल सोलेनोइड या कोई भी रखा हो तो उसमें फोर्स नहीं लगता, टॉर्क जरूर लगता है। और टॉर्क कितना लगता है? एम बी साइन साइन थीटा। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जैसे ये कैसे फॉर्मूला आया? ये वैसे फॉर्मूला आया जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा। पीई साइन थीटा वहां था, यहाँ एम बी साइन थीटा है। क्यों? एक्चुअली क्या है, मैंने बताया था यहाँ एनालॉगस रिलेशन है जो हमने डिराइव नहीं किए हैं, ये वहीं से देख के लिख रहे हैं। वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता था और यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है पी, और मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है एम। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गया एम। अच्छा अब क्या है, इफ अ यूनिफॉर्म, अच्छा इसमें टॉर्क पूछा हुआ है तो टॉर्क निकाल लेंगे बच्चों, एम बी साइन थीटा लगा देंगे, टॉर्क आ जाएगा। ठीक है सर, फोर्स जीरो है? फोर्स नहीं रहता ना करंट कैरिंग कॉइल या लूप, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन बचा। बाकी बच्चों ये प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना क्या क्या क्वेश्चन है। हाँ ये देख लो, 5.4 देख लो। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में ना आए तो मैं बच्चों बताता रहा हूँ, इसको वैसे ट्रीट करना है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे पढ़ा था वैसे ही आप इसको ट्रीट करोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में आपका टेस्ट है बच्चों, 4th चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अभी रिवाइज कर लेना। बाकी मेरी वाली वीडियो से अच्छा जो बोर्ड वाली वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड की है वो देखना जरूर। पढ़ लिया बच्चों क्वेश्चन? हेलो हेलो हेलो, पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। देखो बच्चों हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं पढ़ा है, एक्चुअली पढ़ाया ही नहीं मैंने आपको, मैंने आपको डाइपोल में था, डाइपोल में पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे जब एंगल 0 डिग्री होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब एंगल 180 डिग्री होता है तो अनस्टेबल होता है। यहाँ पर भी एक्चुअली ऐसा ही होता है बच्चों, जब कोई एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो भी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करते हैं। स्टेबल अनस्टेबल कब कब होता है, जैसे किसी सिचुएशन में यहाँ पर है ये ऐसा रखा हुआ है, तो यहाँ एंगल कितना है 0 डिग्री, किसके बीच में एंगल लेते हैं हम? एंगल लेते हैं हम एम एंड बी के बीच में, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, ध्यान रखना बच्चों, कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। आमतौर पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है, बट मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ होता है। तो यहाँ पर वो भी राइट में और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट में, तो एंगल 0 डिग्री है। और पोटेंशियल एनर्जी वहां होती थी माइनस पी ई कॉस थीटा, यहाँ होती है माइनस एम बी कॉस थीटा। तो उनमें आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम बी कॉस थीटा। तो अगर आप एंगल पुट करोगे तो ये माइनस एम बी कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी माइनस एम बी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस ओरिएंटेशन में मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, तो जब 0 डिग्री का एंगल होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ऑल द नोट्स में हमने मेंशन किया हुआ है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं, प्रिंट तो हो चुका है, अब आपको ये मिल भी जाएगा। ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और ये साउथ नॉर्थ है, ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट लेफ्ट साइड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड हो गई, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, टॉर्क तो दोनों केसेस में 0 होता है, बट
पोटेंशियल एनर्जी इसमें मिनिमम होती है स्टेबल में और इसमें मैक्सिमम होती है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। तब जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि एक मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, पूछा है कि कौन सा एंगल में स्टेबल होगा कौन से में अनस्टेबल होगा। तो वही जो जो बच्चों पढ़ते थे अपने सेकंड चैप्टर में, सॉरी स्टेबल अनस्टेबल का एंगल, एंगल तो सेम होगा, बाकी जो वैल्यू है वो भी सेम ही होगी, बट वहां पर कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। वहां पर क्या पढ़ते थे हम, ये पढ़ते थे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल में होती है पीई अनस्टेबल के केस में, और स्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जो कि होती है माइनस पीई। शायद मे भी आपने ढंग से पढ़ा हो तो बच्चों को याद आ जाएगा। तो यहाँ वहां पर पीई होती थी, यहाँ पीई तो होगा नहीं, यहाँ एम बी हो जाएगा इसकी जगह, और इसकी जगह माइनस एम बी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ई की जगह बी हो जाएगा। वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता था जिसको हम पी कहते थे, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो जाएगा जिसको एम कहते हैं। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो बोलो बच्चों। नो सर, लास्ट क्लास में हमने डाइपोल के बारे में आपको पढ़ाया नहीं था, मैंने आपको कहा था सब एनालॉगस रिलेशन है, सारी रिलेशन वहां से हम टीप के लिखते हैं। कहां से टीप के लिखते हैं, हमने डाइपोल के बारे में जो मोस्टली चीजें पढ़ी थी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में डेरिवेशन किए थे सारे के सारे, बट भले ही फर्क ये था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था और ये मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वो जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, मैग्नेटिक डाइपोल वो जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो, बट फॉर्मुलेस लगभग सभी पूरे सेम हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूले डिराइव नहीं करते, सिर्फ उसको यूज कर लेते हैं। तो चलिए टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी तो देखा जाए तो ये अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले याद हैं तो मैग्नेटिक वाले फॉर्मूले भी अपने आप ही याद हो जाएंगे। खैर ये शीट भी सफिशियंट है, आपको याद करा देगी फॉर्मूलेस। तो अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्ट करें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से समझ लो। स्टार्ट करें। हेलो। यस सर। देखो बच्चों, अब बहुत आराम से समझना और बहुत ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम है ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर हमारे पास कोई डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था, जैसे ऐसे रखा हुआ था, स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है, अभी तो कोई टेंशन नहीं है, रखा है तो रखे रहने देगा, बट आपने क्या किया, छेड़ दिया। छेड़ने का मतलब ये नहीं सीटी मार दिया बच्चों, छेड़ने का मतलब ये कि आपने इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब अपनी जगह से अपनी पोजिशन से आपने इसे हटा दिया, रोटेट करा दिया, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे। तो होता क्या है कि कोई बच्चा बताएगा क्या होगा आगे की कहानी, क्या होने वाली है अगर आपने उसको अपनी पोजीशन से हिलाया तो क्या होगा, टॉर्क लगेगा और रोटेट करेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लग के क्या करेगा वो, टॉर्क क्या करेगा, पर वो अपना रोटेट करने के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आएगा अपने आप को। ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखी हुई है, कोई बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखी रहती है तो अगर आप उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हो तो उस पे टॉर्क लगेगा और उसको वापस टॉर्क लग के उसको रिस्टोर करेगा। अब कई बच्चे पूछेंगे भी सर कैसे करेगा, थोड़ा सा दिखाई दो यहाँ पर, तो हम आपको दिखाई देते हैं। चलो, फील्ड ऐसे है, इसका मतलब एक तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो कि इधर हमने कोई साउथ पोल रखा हुआ है और इधर कोई नॉर्थ पोल रखा हुआ है, समझ गए बच्चों। ऐसे मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि नॉर्थ से फील्ड निकलती है और साउथ पे जाती है, ऐसा मतलब दिखाने के लिए, ऐसा है नहीं, बस देख लो बच्चों पर समझने के लिए। तो मैग्नेट के नॉर्थ साइड पे किधर फोर्स लगेगा, राइट पे लगेगा लेफ्ट पे लगेगा, और यहाँ साउथ साइड पे किधर फोर्स लगेगा, राइट पे लगेगा लेफ्ट पे लगेगा। जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल पे किधर फोर्स लगेगा, साउथ पोल पे किधर फोर्स लगेगा, अभी कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बोलो
सर नॉर्थ का लेफ्ट में लगेगा, नॉर्थ पे राइट में लगेगा, साउथ नॉर्थ को अपना साउथ अपनी तरफ खींचेगा और साउथ को नॉर्थ अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे खींचेगा ना, समझे नहीं समझे, ये साउथ पोल को ये नॉर्थ पोल अपनी तरफ खींचता है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इससे क्या होगा ये घूम करके फिर से अपनी पुरानी ओरिएंटेशन में आने की कोशिश करेगा जो कि ये थी। बट एक्चुअली क्या होता है कि ये वापस अपनी ओरिएंटेशन में आ तो जाता है बट ये रुकता नहीं है, ये और आगे चला जाता है, और आगे मतलब कैसे हो जाता है, कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि ये मोमेंटम के चक्कर में जैसे पेंडुलम ऑसलेट करता है, ये पेंडुलम है, अगर आप बॉब को छोड़ो तो इसको यहाँ आके रुक जाना चाहिए, यहाँ आके स्टॉप हो जाना चाहिए, बट मोमेंटम के चक्कर में ये आगे चला जाता है, ऐसे आगे चला जाता है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है, तो उसको रुक जाना चाहिए बट मोमेंटम के चक्कर में वो आगे चला जाता है और आगे चला जाता है और वो रुकता नहीं है, फिर वो ऑसिलेशन कंटिन्यूस ऑसिलेशन चालू कर देता है जब तक वो डैम्प ना हो जाए, तब सारी एनर्जी उसकी खत्म ना हो जाए, ये ऐसे है, फिर ऐसे आके और आगे निकल जाता है, ये और आगे मतलब ऐसे हो जाता है, इधर आ जाता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन चालू कर देता है, समझ गए बच्चों कैसे कैसे ऑसिलेशन? यस सर, ऐसे ऑसिलेशन चालू कर देता है। इस तरीके से ऑसिलेशन चालू कर देता है टू एंड फ्रो। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये तब तक डैम्प नहीं होगा, डैम मतलब कि रुकेगा नहीं, एक तरीके से सारी एनर्जी खत्म नहीं होगी जब तक एनर्जी डिसिपेट ना हो जाए, जैसे पेंडुलम है थोड़ी देर तक तो ऑसिलेट करता ही रहेगा, ये भी ऑसिलेट करता ही रहता है, काफी देर बाद जाके रुक जाएगा और फिर बस रुक जाएगा तो रुक जाएगा, बट हमारा क्या काम है इसके अंदर, आपको ऑसिलेशन तो समझ में आ गया जो कारण क्यों किस कारण होती है ऑसिलेशन? हेलो, यस सर देखो एक्चुअली क्या होता है जब कभी हम कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं तो पहले हम उसके बारे में बताते हैं कि होता क्या है, जैसे अगर आपने उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया तो ये वापस अपनी जगह आएगा, रुक नहीं पाएगा, मोमेंटम गेन कर लेगा, फिर वह आगे चला जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगा, फिर मोमेंटम गेन के चक्कर में और आगे निकल जाएगा, तो कंटिन्यूस ऑसिलेशन चालू कर देगा। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब कभी हमसे कोई पूछे कि कोई बॉडी ऑसिलेट करना क्यों चालू कर देती है, तो आप उसको स्टार्टिंग से समझाओगे कि जब आप एक बॉडी को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, जैसे कि पेंडुलम में, पूरा डिटेल में समझाओगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। डिटेल में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप एक बॉडी को अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, तो और छोड़ देते हो, तो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ बढ़ता है, बट मीन पोजीशन के आने के बावजूद वो उसकी सारी एनर्जी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपने जब स्टार्टिंग में उसको जब डिस्प्लेस किया था तो आपने कुछ पोटेंशियल एनर्जी दी थी इसको, और एनर्जी खत्म नहीं हुई है तो उसके चक्कर में और आगे चला जाता है, समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो, हेलो हेलो, यस सर समझ रहे। तो और आगे चला जाता है, फिर वो राइट उधर डिस्प्ले हो जाता है, फिर वो वापस आने की कोशिश करता है, फिर वो वापस ले जाता है, जब तक उस पेंडुलम की एनर्जी आप एक्सटर्नली ले ना लो, अपने हाथ से ना रोको, या फिर डैम्प ना हो जाए, एयर वगैरह उसकी एनर्जी ना खींच ले, तब तक वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, आपने एनर्जी दे दी स्टार्टिंग में, उसकी वजह से वो ऑसिलेशन करता ही रहेगा, अगर एनर्जी आप उसकी ना निकालो सिस्टम से बाहर तो इनफाइनाइट टाइम तक हजारों करोड़ों साल तक ऑसिलेट करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन ही है कि आप उसको डिस्प्लेस करा देते हो, ऑसिलेशन चालू कर देता है, और जब तक अगर डैम्प ना हो या उसको रोका ना जाए तब तक वो रुकेगा नहीं, बट हमारा काम है बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना। अब ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का क्या मतलब है? बोलो भाई बोलो। टाइम पीरियड तो वन टू एंड फ्रो मोमेंट। हाँ वो एक टू और फ्रो मतलब पूरा वापस अपनी जगह पर आने में ऐसे कितना टाइम लगेगा, जैसे ये देखो चाहिए। सर पहले किसकी वजह से रोटेट हुआ था? हमने खुद किया था। अच्छा, स्टार्टिंग में अपने आप नहीं होता है, स्टार्टिंग में हमको खुद करना पड़ता है, फिर आगे अपने आप होता है। जैसे आपने अब जैसे आपने किया डिस्प्लेस तो वापस आया, फिर वापस वही चला गया, तो ये एक टू एंड फ्रो हो गया, टू एंड फ्रो, पहले खुद करना पड़ता है। श्रीमंदीप यस सर। अब आप
पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहे हो तो पहले आप खुद ही अपने हाथ से डिस्प्लेस करा के छोड़ोगे ना, एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा। अपने आप बॉडी ऑसिलेट नहीं करती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी खुद रुकी हुई है, तो रुकी हुई है उसको क्या जा रहा है यार, उसको कुछ थोड़ी जा रहा है, वो ऑसिलेशन कर क्यों चालू कर देगी। आप उसको डिस्टर्ब करोगे एक बार, थोड़ा सा बोला था ना मैं स्टार्टिंग में डिस्टर्ब कर, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं, एक्चुअली क्या होता है, हमने जब ऑसिलेशन पढ़ाया था आपको तो बताया था कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का एक फॉर्मूला होता है 2π√m/k, और फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो सर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना आसान हो जाता है। यहाँ m था मास ऑफ बॉडी और k था स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नहीं स्प्रिंग फैक्टर था। और मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअली क्या होता है, के कैसे आता है, हम एक रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं F=-kx, वहां से कंपेयर करके के की वैल्यू पुट की जाती है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे आता है, पुट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ऑसिलेटरी मोशन दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर ऑसिलेटरी मोशन और एक एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। कोई बच्चा बताएगा, मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था इसके बारे में, लीनियर ऑसिलेशन और एंगुलर ऑसिलेशन, तो बच्चे एग्जाम्पल देगा अच्छी। कोई बताएगा सर, एंगुलर ऑसिलेशन में आपने अर्थ का एग्जांपल दिया था, पेंडुलम, पेंडुलम का एग्जांपल लिया था बच्चे, मैंने बताया था आपको 11th क्लास में, थोड़ा बता देता हूं आपको याद आ जाएगा। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम लीनियर ऑसिलेटरी मोशन होता है, ये आगे पीछे जाता है, पेंडुलम जो होता है वो एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन होता है, उसमें एंगल शिफ्ट होता है, एंगल चेंज होता है, दो टाइप के ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर ऑसिलेटरी, एक होता है एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। मैंने इवन दोनों का डायरेक्शन अलग तरीके से कराया था। जो एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन होते हैं उसमें ये जो फॉर्मूला होता है ये चेंज हो जाता है, टी की जगह टी होता है, 2π की जगह 2π होता है, एम की जगह आई हो जाता है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, वहां मास है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों, तो टॉर्क लगेगा तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ना। देखो अच्छा, मास भी एक तरी, मास इज ऑफ अ बॉडी इज इनर्शिया ऑफ बॉडी, मास इनर्शिया होता है। लीनियर मोशन में अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चलती है उस टाइम मास इनर्शिया होता है, जबकि रोटेशनल मोशन में या एंगुलर मोशन में जो इनर्शिया होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और यहाँ के स्प्रिंग फैक्टर होता है, बट ये जो स्प्रिंग फैक्टर होता है ये टॉर्शनल स्प्रिंग फैक्टर होता है, और ये F=-kx से नहीं आता, ये tau −k θ से आता है। अब कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर F=-kx है और यहाँ tau −θ, ये क्या चीज़ है। एक्चुअली क्या होता है, लीनियर ऑसिलेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को वापस लाता है, जैसे स्प्रिंग में अगर बॉडी अपनी मेन पोजीशन से आगे चली जाती है तो उस पर फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको खींच के वापस लाता है ऐसे। जबकि एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। समझे नहीं समझे, हेलो हेलो, यस सर। एंगुलर मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है जो उसको रिस्टोर करता है। तो ये बच्चों थोड़ा पता होना चाहिए आपको कि ऑसिलेटरी मोशन को भी दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक लीनियर ऑसिलेटरी मोशन होता है, एक एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही चाहिए एक्सप्रेशन निकालना टाइम पीरियड का। तो यहाँ टॉर्क होता क्या है, देखो जी यहाँ टॉर्क होता है −mv sin θ। एक्चुअली हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, आपको बता ही रखा है इधर, देखो अच्छे बार बार चैप्टर में हर जगह टॉर्क में आ रहा है। क्या आ रहा है, देखो mv sin θ आ रहा है। तो यहाँ ये जो टॉर्क होता है ये लगता है बॉडी पे जो उसको रिस्टोर करता है। अगर बॉडी को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करा रहे हैं, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह थीटा ले सकते हैं, और ये चीज मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी कि साइन थीटा की जगह थीटा क्यों ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है, माइनस साइन ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं, ऑल दो अगर आप वेक्टोरिकली लिखो तो माइनस साइन जरूरत पड़ती है। कोई बच्चा बताएगा कि माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं,
कोई बच्चा, हेलो कोई बच्चा बताएगा माइनस साइन का क्या मीनिंग है, नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है यहाँ पे बोलो। मैं टॉक लग रहा है क्या? अच्छा बोलो बोलो बोलो। उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा आई थिंक। जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, जैसे कि पेंडुलम में। इधर देखो शायद टाइम हो जाए तब तक तो। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है ऐसे, टॉर्क इधर है रिवर्स, एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है, मतलब समझे नहीं समझे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन टॉर्क लग रहा है, मतलब इसका मतलब यही होता है। खैर नेगेटिव साइन से हमें कोई मतलब नहीं है बच्चों, कोई खास ज्यादा मतलब नहीं है, ये तो वेक्टर्स में काम आता है जस्ट। तो हमें तो सिर्फ कंपेयर करना है इक्वेशंस को।